हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ट्यूटोरियल। आज हम चंडीगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस का, HSSC का या फिर HCS का, उस पे तो पूछा ही जाता है चंडीगढ़ के बारे में। और इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस है या पंजाब है, पंजाब PCS का एग्ज़ाम है, उसमें भी चंडीगढ़ के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यह छोटी ही वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना आप। लास्ट में मैं PDF डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना हुई और वास्तुकार का नाम है ली कार्बूजियर, फ्रांस के हैं ली कार्बूजियर। अगर पहले वास्तुकार की बात की जाए तो पहला वास्तुकार है अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर ने बीच में काम छोड़ दिया था, उसके बाद ली कार्बूजियर ने पूरा किया था। अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, चंडी प्लस गढ़। चंडी मतलब चंडी देवी और गढ़ मतलब किला, तो चंडी देवी का किला। चंडीगढ़ शहर शिवालिक पहाड़ी की तलहटी पर बसा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना इसे। इसके बाद इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया था 1996 में, और राजधानी पंजाब की राजधानी बनी थी 1952 में, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनी। 1 नवंबर को क्या है, 1 नवंबर को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, इसलिए उस दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी को चंडीगढ़ बनाया गया। अब आगे पढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो यह आधुनिक पद्धति से बसाया जाने वाला पहला शहर है। चंडीगढ़ शहर आधुनिक पद्धति से बसाया जाने वाला पहला शहर। इसमें कुल सेक्टरों की संख्या है 56 और गणना की दृष्टि से सेक्टर 55 है। इसमें 13 सेक्टर नहीं है, चंडीगढ़ में 13 सेक्टर, 13 नंबर सेक्टर नहीं है। प्रत्येक सेक्टर की लंबाई है 1200 मीटर और चौड़ाई है 800 मीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 21A को यह छूता है। इसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद चंडीगढ़ में NCR में शामिल ज़िले तो मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला। ट्राई सिटी में पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली ट्राई सिटी में आते हैं। इसके बाद है शांति कुंज, सेक्टर 16 में है। रैली ग्राउंड सेक्टर 26 में और परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में। पटियाला की रावी नदी के किनारे पर स्थित है ये चंडीगढ़। पॉलीथीन मुक्त शहर बनाया था 2 अक्टूबर 2008 को और धूम्रपान निषेध शहर बनाया था 15 जुलाई 2007 को। गोल्फ क्लब की स्थापना हुई थी 1962 में और चिड़ियाघर 1977 में छटगांव में। अब चंडीगढ़ में राजकीय की बात करते हैं तो क्या राजकीय क्या क्या हैं, तो नृत्य है भंगड़ा भांगड़ा, और राजकीय त्यौहार हैं बैसाखी और लोहड़ी। इसके बाद राजकीय फूल है ढाक के फूल, और राजकीय फल आम, आम राजकीय फल है। राष्ट्रीय राजकीय खेल हॉकी। आम हमारा राष्ट्रीय फल भी है और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। राजकीय पशु ग्रे मंगूस, तो इसको ग्रे नेवला बोलते हैं, हिंदी में नेवला बोलते हैं और हरियाणवी में नोलिया, नेवला नोलिया नोलिया बोलते हैं। राजकीय चिन्ह खुले हाथ, ओपन हैंडेड, और ये राजकीय चिन्ह लिया था सेक्टर 1 से। इसके बाद राजकीय पक्षी है ग्रे हॉर्नबिल, घुसर तीतर, और हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो है काला तीतर। राजकीय मिठाई है जलेबी। राजकीय खाना है ठेठ पंजाबी खाना। राजकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, और राजकीय बोली हिंदी और पंजाबी राजकीय बोली है। इसके बाद है सामान्य आंकड़े। सामान्य आंकड़ों में जिला चंडीगढ़, तहसील एक तहसील है चंडीगढ़, ब्लॉक ब्लॉक है 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक में मनी माजरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, 25 गांव है, धनाश गांव सबसे बड़ा गांव है,
विश्वविद्यालय हैं दो, दो विश्वविद्यालय हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय। अब थानों की बात करते हैं तो पुलिस थाने हैं 17, 17 पुलिस थाने हैं। महिला पुलिस थाना है एक सेक्टर 17 में, और सबसे बड़ा पुलिस थाना है सेक्टर 17 में। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय सेक्टर 9 में है, चंडीगढ़ पुलिस लाइन सेक्टर 26 में है। वर्द के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1092, महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1091, चंडीगढ़ पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1073, और चंडीगढ़ पुलिस दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर। डीजीपी चेंज हो गए हैं, डीजीपी नए डीजीपी बने हैं, वो हैं संजय बेनीवाल, और मेयर हैं चंडीगढ़ की मेयर आशा कुमारी जायसवाल। चंडीगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी पंजाब का राज्यपाल होता है। अब चंडीगढ़ के उपनाम, चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, क्लीन सिटी, सिटी ऑफ रोजेज, इको सिटी और थिंकिंग मैन सिटी। अब चंडीगढ़ का हृदय बोला जाता है सिटी सेंटर को, सेक्टर 17 में है। चंडीगढ़ के फेफड़े रोजर वैली को बोला जाता है। चंडीगढ़ का सिर सिटी कम्प्लेक्स सेक्टर 1 में है। चंडीगढ़ का मस्तिष्क शिक्षण संस्थान, और चंडीगढ़ का बिसरा सड़कों का संचार। खेल स्टेडियम है तो लगभग तकरीबन सारे खेल स्टेडियम हैं। क्रिकेट का खेल स्टेडियम है क्रिकेट का, वो सेक्टर 16 में और मोहाली में। बैडमिंटन का 7 में, गोल्फ का सेक्टर 6 में, स्केटिंग का सेक्टर 10 में, फुटबॉल का सेक्टर 17 में, टेबल टेनिस का सेक्टर 7 में और स्विमिंग का सेक्टर 23 में। एथलीट्स का सेक्टर 7 में, हॉकी का सेक्टर 42 में। और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 1100 mm। अब आगे देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति में जीव मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के पिताजी जीव मिल्खा सिंह। गोल्फ खेलते हैं जीव मिल्खा सिंह, सॉरी जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते हैं और मिल्खा सिंह धावक हैं। इसके बाद युवराज सिंह क्रिकेटर हैं और योगराज सिंह युवराज सिंह के पिता अभिनेता हैं। अनुपम खेर और किरण खेर, अनुपम खेर अभिनेता अभिनेत्री हैं ये, किरण खेर अभी सांसद भी हैं। नीरजा भानोट वायुयान में कर्मचारी एयर होस्टेस हैं। प्रिंस नरूला अभिनेता है। चेतन भगत लेखक और खुशवंत सिंह लेखक। इसके बाद पार्क हैं, राजेंद्र पार्क, राजेंद्र गार्डन, जापानी गार्डन, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, सिल्दी पार्क, यादवेंद्र गार्डन, बोटानिकल गार्डन, टोपीटारी गार्डन, रोजर वैली, कैक्टस गार्डन। ये मैंने लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ हैं, आप एक बार पढ़ लेना। अब सुखना लेक, सुखना लेक है सेक्टर 1 में, 1958 में निर्माण हुआ था। 2533 वर्ग किलोमीटर लंबी है ये। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन 1958 में निर्माण हुआ था। 1000 गुलाब की प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, 30 एकड़ में फैला हुआ है। मेले हैं यहाँ पे, बैसाखी का मेला, लोहड़ी, गुरु पूर्णिमा का मेला, रक्षाबंधन में मेला और चंडी देवी का मेला। त्यौहार है मैंगो फेस्टिवल, आम का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, फेमस फेस्टिवल है। इसके बाद जलवायु, जलवायु उष्ण कटिबंध जलवायु है यहाँ पर। एवरेज टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 48 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर रहता है -2 डिग्री सेल्सियस। भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो 76.78 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30.75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। तो ये थे दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।